जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम इतना अहम नहीं समझते। उनमें से एक चीज ऐसी है जिसके बेशुमार फायदे हैं पर सब नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं चम्मच की। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक चम्मच आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे आज के शो का मौजू है चम्मच आपका टोटका हमारा। कभी चम्मच में नींबू का रस होगा तो कभी शहद, कभी लहसुन अदरक तो कभी कोकोनट ऑयल, और कभी इस एक चम्मच में गरम मसाले, चावल के आटे, हल्दी और कलवंजी जैसी चीजें होंगी। और इन तमाम चीजों से भरा ये एक चम्मच आपको दे सकता है गोरी रंगत, निखरी जेल और चेहरे के दाग धब्बों से छुटकारा। और हमारे माहिर एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे किस तरह एक चम्मच से आप स्किन को टाइट और ब्राइट कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि एक चम्मच से आप जिस्म की एक्स्ट्रा चर्बी को कर सकते हैं बाय बाय, और मोटापे को कर सकते हैं बिल्कुल गायब, और साथ ही गिरते बालों और बीपी और शुगर का इलाज भी इसी एक चम्मच में मौजूद है। तो बस देखिए चम्मच आपका टोटका हमारा, पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। और बजा दो, 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 और बजा दो। अच्छा जी, चम्मच आपका टोटका हमारा, और ये हमारा शो है आज का। वैसे तो हमारे मुल्क में चमचों की कमी नहीं है, आप यकीन जानिए जितने हमारे मुल्क में चमचे पाए जाते हैं दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते होंगे। हाँ, बजाइए बजाइए, सही बात है। एजाज रोमेरो साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत सारी तालियां एजाज रोमेरो के लिए। कैसे आप? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, उसके बाद बात करेंगे। आज बड़े आपके अगर सवालात हैं तो आज हम वो सवालात भी लेंगे। एक माइक भी इधर दे दीजिएगा। देखिए जी, बात यह है कि हम बात करते हैं कि स्किन को टाइट और ब्राइट कैसे कर सकते हैं। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन बहुत टाइट हो जाए, बहुत ब्राइट हो जाए। तो आज एक चम्मच का टोटका होगा, एक चमचे की मदद से हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। अपने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन कर दीजिए, अपने भाइयों को फ़ोन कर दीजिए, बहनों को फ़ोन कर दीजिए, दोस्तों को फ़ोन कर दीजिए, जिनको आप जानते नहीं उनको भी फ़ोन कर दें कि आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक चम्मच से हम आपको सारे टोटके सिखाएंगे। दैट मीन्स आप अपनी स्किन को टाइट और ब्राइट कैसे कर सकते हैं एक चम्मच की मदद से। एक चम्मच आपको स्मार्ट और स्लिम बना सकता है। या रियली आप बिल्कुल कटरीना की तरह से नजर आ सकते हैं। करीन यार, तुम लोग मेरे दिल की बातें जानते हो। तुम लोग कटरीना के नाम पे बहुत तालियां बजाते हो। तो आप एक चम्मच की मदद से कटरीना की तरह से नज़र आ सकते हैं, करीना की तरह से नज़र आ सकते हैं, और रशीदा की तरह से नज़र आ सकते हैं। पूछे रशीदा कौन? पूछे रशीदा कौन? तुम्हें नहीं पता ना? तो तुमसे ही तो पूछ रहा हूँ, कौन है वो। हाँ, बट एनीवे, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चम्मच की मदद से आप स्लिम और स्मार्ट बन सकते हैं। और एक चमचे से, सिर्फ एक चमचे से आप अपनी उम्र को छुपा सकते हैं। That means अगर आप 40 के हैं तो आप 30 के लग सकते हैं, और अगर 30 के हैं तो कितने के लग सकते हैं? 20 के। सोचो, 20 के हो तो कितने के लग सकते हो? और अगर तुम 10 के हो तो कितने के लग सकते हो? पैदा ही नहीं हुए क्या गोद में। सो चमचा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होता है, और हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जी हमारे यहाँ एक्स्ट्रा चर्बी बहुत पाई जाती है। अब क्यों मुंह छुपा रही हैं आप? मत छुपाइए मुंह। क्या करें, पाई जाती है एक्स्ट्रा चर्बी। एक्स्ट्रा चर्बी को करें बाय बाय, एक्स्ट्रा चर्बी को करें टाटा, सिर्फ एक चम्मच की मदद से। ऑनेस्टली, एक चम्मच की मदद से आज आप एक्स्ट्रा चर्बी को खुदा हाफिज कह देंगे। एक चम्मच के हैरतअंगेज फायदे हैं। अगर आपके यहाँ कोई छोटा नोमोलूद आने वाला है तो एक चम्मच की मदद से वो शाहनजीर साहब की तरह भी लग सकता है। ताली भी बजी। सोचें आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो इतना बड़ा है। आप लोगों को बताते हुए डरेंगे कि हमारे यहाँ ये हुआ है। एनीवे ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां शाहनजीर साहब के लिए। उरूज के लिए बहुत सारी तालियां दी। उफैरा के लिए बहुत सारी तालियां। वर्दा के लिए बहुत सारी तालियां। मेरे लिए अच्छा जी, तो अब मैं आपके सवालात भी लूंगा, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं उफैरा, आज आप क्या करने जा रही हैं? मैं एक चम्मच के टोटके से बताने जा रही हूँ। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम एक स्पून वन स्पून लेके उसकी एक रेमेडी पैक बनाएंगे। हेयर पैक होगा जिससे कि वाइटनेस भी जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो जाती है बालों की वो ख़त्म हो जाएगी, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके बालों से डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे और बालों की थिनिंग ख़त्म होगी, बाल मोटे भी हो जाएंगे और आप बहुत प्यारे प्यारे से लगेंगे लंबे लंबे बालों के साथ। एक चम्मच से कितने फायदे हैं? मैं स्किन वाइटनिंग क्या करूँगा इसके अंदर? ठीक है, कोई लगाएंगे आप पट्टी? पट्टी तो नहीं, पट्टी बहुत लगा दी। फ्रूट की मदद से मैं आपकी स्किन वाइटनिंग करूँगा। फ्रूट की मदद से, एक चम्मच फ्रूट की मदद से स्किन को वाइट किया जाएगा। जी, आज मैं भी आपको बताऊंगी एक चम्मच की क्या कीमत है, कितना फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को स्किन टाइटनिंग और अपनी स्किन को फ्लॉलेस रखने के लिए। इसके लिए आपको बताऊंगी एक चम्मच का टोटका। और जो हमारी अक्सर ख़वातीन की प्रॉब्लम है, जो यंग गर्ल्स की प्रॉब्लम है, एक्नी एंड पिम्पल्स, उससे आप कैसे रेड ऑफ कर सकते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, अपनी स्किन को सेफ रखा जा सकता है, उसका टोटका बताऊंगी। मैं बात कर रही हूँ डार्क सर्कल्स की विद एक चम्मच एंड उसके साथ मैं बात करूँगी स्लिमिंग की। तो वी गोना मेक अ ड्रिंक जिससे आप बहुत जल्दी अपना वेट गिरा कम कर लेंगे। एक और भी उसका तरीक़ेकार हो सकता है, डॉक्टर आपको जो बताओ वो ना खाओ, खुद ही कम हो जाओगे। अच्छा जी, शाहनजीर साहब जी। जी साहब, मैं एक चम्मच से डायबिटिक को कंट्रोल करने का बताऊंगा और डायबिटिक की वजह से जो वीकनेस हो जाती है उसे ख़त्म करने का बताऊंगा और एक चुटकी से मैं ब्लड प्रेशर कम करने का बताऊंगा। एक चुटकी से? एक चुटकी दवा। सीरियसली? यस। तो अगर यूं करके चुटकी काटो तो ये वाली चुटकी नहीं है, एक पिंच दवा जो है। ब्लड प्रेशर कम नहीं होता ऐसे? नहीं, इससे और बढ़ता है। अबे यार, तुम तो आ ही नहीं रहे हो हाथ में। हाँ हाँ, ये चुटकी वाला आदमी नहीं है। नहीं, अच्छा, वाकई on a very serious note, एक चुटकी से कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह। वाओ, अच्छा, ये तो मुझे अपने फादर के लिए भी चाहिए, बिकॉज माय फादर इज ब्लड प्रेशर पेशेंट। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ये सुने, लेकिन ये हम सबसे आखिर में बताएंगे। आपको पूरा शो देखना पड़ेगा और साथ साथ कल जो मुझे सबसे पहले कॉल करेगा, इस शो के बारे में एक सवाल करूंगा, कल जो मुझे सबसे पहले कॉल करेगा उसको हम न सिर्फ शो पे बुलाएंगे बल्कि उसको एक चांस देंगे। क्या चांस देंगे ये आपको पता चलेगा थ्रू आउट ये शो देखते रहें। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक का लाइव शो में अक्सर ऐसा हो जाता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे, जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे, तेरी भी आँखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, घर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। ला 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 ला। मेरे बैंड के लिए भी तालियां बजाएं, इनके हक में दुआ करें कि जाग जाया करें प्लीज। मेरे बुरा साउंड करने में सिर्फ मेरा अकेले का हाथ नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें पूरे अमल में एक खास तौर पे हिस्सा लेती हैं। बट थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं नहीं बस ये उनको पता मैंने क्या कहा है। कहीं से भी कोई चीज़ कहीं से भी आ जाती है। आइए उफेरा आ जाए, क्या कर रही हैं आप बताइए। साहिर मैं हेयर के लिए बता रही हूँ कि जितने भी बालों के मसाइल हैं वो मर्द हजरात हो या औरतें हजरात, वो सारे मसले इस रेमेडी से इंशाल्लाह ताला हल हो जाने वाले हैं। और इस रेमेडी को आपने हफ्ते में, अगर आपके साथ बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं जिसमें हेयर फॉल है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है या बालों का गिरना या बालों की लेंथ ना बढ़ना, इनमें से कोई भी है प्रॉब्लम और अगर वो बहुत सीवियर है तो आपको इसको हफ्ते में 3 दफ़ा अप्लाई करना है, वरना अगर कम है तो आप वंस अ वीक भी कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा करेंगे तो आपको एक ही हफ्ते में इसके रिजल्ट पता चल जाएंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक हफ्ते के अंदर के बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ओके। बाल गिरना साहिर, अगर रेमेडी अच्छी होती है ना तो आपको फर्स्ट दफ़ा पैक लगा के जब आप वॉश करते हैं और वॉश करके जब अपने बालों को आप ऐसे करते हैं तो आपको उसी वक्त फ़र्क पता चल जाता है। Really? बिल्कुल। सबको ये मसला होता है बिकॉज हमारे यहाँ पानी बहुत भारी आता है, उसकी वजह से अगर आता है तो बहुत भारी आता है तो उसकी वजह से बहुत मसाइल हो जाते हैं। तो आई थिंक ये पैक बड़ा इम्पोर्टेंट है जो इस वक्त बताने जा रही हूं। अच्छा, सबसे पहले इसमें मैंने लिया है कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आप लोगों को अगर कोकोनट ऑयल सूट करता है तो लें, वरना ऑलिव ऑयल या एलमंड ऑयल, जो आप लोगों में से जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो वाला ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें कैस्टर ऑयल लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैं कैस्टर ऑयल ले रही हूँ। कौन सा ऑयल? कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ भी बढ़ाता है और सॉरी ये कोकोनट ऑयल था, वो कैस्टर ऑयल है। अच्छा, उसके बाद मैं ले रही हूँ अच्छा मैं अभी तक 1 टेबल स्पून पे थी, अब मैं टीस्पून पे आ गई हूँ। 1 टीस्पून मैंने लिया है भृंगराज पाउडर, सही है? भृंगराज। 1 टीस्पून मैंने लिया है बरहमी पाउडर, सही है? और उसके बाद मैं 2 इसमें ऐड, बरहमी बूटी का पाउडर है। जी बिल्कुल, उसको ब्लेंड करके। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इस पैक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये नॉर्मल शोल्डर तक की हेयर ग्रोथ, हेयर तक के लिए बिल्कुल सही है, सही है। अब इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करना होगा। पानी डाल दीजिए इसमें। वैसे तो ये हो गया है। हाँ। अच्छा, ये कितने बालों के लिए है? ये शोल्डर तक के बालों के लिए मेरे ख्याल से एनफ होगा। ओके। कितना डालना है? बस थोड़ा सा, कि हल्का सा फ्लुएंसी। हाँ, इतना बस काफ़ी है। ओके। अच्छा, ये पानी डालने के बाद फिर इसके बाद इसको लगा के कितनी देर बैठना है? इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा गर्म पानी प्याले में लेकर उसमें रखना है ताकि इसके जो बरहमी पाउडर, भृंगराज पाउडर हमने इसमें ऐड किया है, उसके ऑयल्स इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। टेम्परेचर इसका हम थोड़ा सा रेस करेंगे, डायरेक्ट हमने इसको कुक नहीं करना। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स हमने इसको गर्म पानी के प्याले में रखते हैं और उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे लाके अपनी रूट्स पे अप्लाई करें। अच्छा, और अगर हम इसको सादा लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे तो क्या होगा? सादा लगाने से भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये जो 2 पाउडर है ना, इनके अंदर ऑयल्स कंटेन ऑयल, तो वो इन्फ्यूज़ हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। ओके, दोबारा से एक मरतबा फिर बता दें, थोड़ी सी मुश्किल रेसिपी है, थोड़ी सी मुश्किल रेमेडी है, लेकिन ये बहुत काम करती है। पहली मरतबा के लगाने से आपको अपने बालों में फ़र्क पता चलेगा। दोबारा बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लिया है, उसकी जगह आप एलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। उसमें 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल ऐड किया है। उसके बाद 1 टीस्पून भृंगराज पाउडर ऐड किया है, जो कि आपको इजीली पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा। 1 टीस्पून बरहमी पाउडर ऐड किया है और 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड किए हैं। इन तीनों पांचों चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। फिर इसको गर्म पानी में, एक प्याले में गर्म पानी लेना है और उसमें इस चीज़ को, इसी प्याले को ऐसे छोड़ देना है ताकि ये जो 2 पाउडर्स ऐड किए हैं इसके ऑयल्स उसमें इन्फ्यूज़ हो जाएं। फिर उसके बाद आपने इसको हटा के रूम टेम्परेचर पे लाके कि आपके स्कैल्प पे आपको हीट ना फील हो, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है और हाफ एन आवर से 45 मिनट्स में इसको प्रॉपर ठंडे पानी से वॉश करें। यू विल फील बेटर इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह। अच्छा, ये मर्द भी लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके घर में बच्चे भी लगा सकते हैं? बच्चे भी लगा सकते हैं। तो दिस ब्रिलियंट। एक छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं। ये आपको हमने पहली रेमेडी बताई है जिसमें बालों को गिरने से कैसे रोका जा सकता है वो बताया गया है। छोटा सा एक ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें आप 1 चम्मच की मदद से कर सकते हैं। आज का शो मिस करने वाला नहीं है। गुड मॉर्निंग। जी वर्दा, मेरी चाय किसी को अगर नजर आए तो प्लीज मुझे दे देना। हाँ वर्दा, हम क्या करने जा रहे हैं? जी सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा शो के स्टार्ट में कि हम एक चम्मच से आपको बताएंगे कि आप अपनी स्किन को टाइट कैसे रख सकते हैं, अपनी स्किन को फ्लॉलेस कैसे रख सकते हैं। आपकी स्किन पे अक्सर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन टोन चेंज हो जाती है, डबल स्किन टोन हो जाती है, वो आप उससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए, पेपर पेन से लेके बैठ जाइए कि जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ये इतनी सिंपल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर। और ये जब आप अपने किचन में एंटर होंगे, अपना कैबिनेट खोलेंगे, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी और सिर्फ एक चम्मच इस्तेमाल होगा उसका। सबसे पहले चलते हैं स्किन में। जब अपने किचन में एंटर होता हूँ मुझे शाजिया मिलती है। कैबिनेट में तो नहीं मिलती होगी, मैंने कैबिनेट खोले। अच्छा मैंने किचन में जाई और कैबिनेट खोले, शाजिया कैबिनेट में नहीं होती। मैं जैसे ही एंटर होता हूँ, होपफुली शाजिया तुम कैबिनेट में तो नहीं होती ना बेटा? कैबिनेट में नहीं होना है, किचन के अंदर होना है। कैबिनेट में आपको मिलेंगे मसाले जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए और स्किन टाइटनिंग के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसके लिए एग वाइट, जो अंडे की सफ़ेदी होती है खाली। मैं अंडे की सफ़ेदी यहाँ पे खाली इस्तेमाल करूँगी। अंडे की सफ़ेदी ले ली मैंने यहाँ पे। अब इसमें जाएगा एक चम्मच कॉफ़ी, एक चम्मच कॉफ़ी जाएगी इसमें, और एक चम्मच जाएगा शहद। आपकी आस्तीन भी जा रही है उसमें। हाँ हाँ ऑनेस्टली, थोड़ा और केयर करेंगे आप तो पूरी चली जाएगी। अच्छा जी, इसमें गया एक चम्मच शहद। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस और कुछ भी नहीं है इसमें। आप इसको अप्लाई कर लीजिए आप फेस पे। अच्छा मुझे ये बताइए, इसके अंदर हमने 3 चीजें डाली, सिर्फ 3 चीजें डाली हैं इसके अंदर हमने। अच्छा ये गौर से सुन लीजिए, ये किस चीज़ के लिए है? ये स्किन टाइटनिंग के लिए है। आपकी स्किन पे अक्सर जैसे होता है कि ब्लैक आपको फील होता है, टू टोन हो जाती है स्किन या ब्लैक स्पॉट्स हो रहे होते हैं, ये उसको रिड्यूस करती है। और ये इतना अच्छी रेमेडी है कि आप इसको एक बार अप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, और अगर आप अपना ग्लो चाहते हैं तो आप इंस्टेंट कॉफी लेके उसको थोड़ा सा पानी में रब करके वो भी अगर मल लें तो उससे भी आपकी स्किन जो है वो ग्लो होती है। आप आधा टेबलस्पून ले लीजिए कॉफ़ी का, वो इंस्टेंट कॉफ़ी का, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगा लें। 5 मिनट के बाद धो लीजिए, स्क्रब हो जाता है। स्क्रब इंस्टेंट कॉफ़ी से नहीं होगा, वो दूसरी ग्रेन कॉफ़ी से होता है, जिसके ग्रेन्स होते हैं उस कॉफ़ी से होता है। स्क्रब इससे नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी स्किन जो है बहुत क्लियर हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात ये, इसमें 3 चीज़ें डली हैं। इसमें एग वाइट डला है और इसके अंदर शहद डाला गया है और इसके अंदर कॉफ़ी डाली गई है। एग वाइट क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, तो ये डायरेक्टली आपकी स्किन पे जब लगता है तो आपके जितने भी इसके एग वाइट के प्रोटीन होते हैं डायरेक्टली आपकी स्किन पे होते हैं, तो उससे आपकी स्किन पे एकदम इंस्टेंट रिजल्ट नजर आता है सामने। अच्छा मुझे ये बताइए, इंस्टेंटली कौन अपनी स्किन को बेहतर करना चाहता है? इंस्टेंटली अभी 15 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। 15 मिनट्स में आप खुद आप यहाँ पर बैठ के लगाइए और जाके वॉश कर लीजिए। आप लगाएंगी? लगा लीजिए। इनको दे दें ऊपर, इनको दे देंगे। ब्रश से अप्लाई करना है या लगा लेंगी खुद ही? आप हाथ से लगा लेंगी, खुद ही लगा लेंगी, वो लगा लेंगी। इनको दे दें ऊपर जाके और 15 मिनट के बाद कैमरा इस तरफ कर दीजिए। ये ड्राई होने का वेट करेंगे, 10 से 15 मिनट में ड्राई हो जाएगा। हाथ उठाइए मैम, हाथ उठाइए अपना हाथ। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। क्या नाम है आपका? हाँ सलमा का ये जरा देख लीजिए, आप चश्मा उतारिए, इनको जरा सलमा का ले लीजिएगा बिफोर। और हम अब सलमा ये लगाएंगी, खुद लगाएंगी, हम खुद भी नहीं लगा रहे हैं बल्कि सलमा खुद लगाएंगी। और 15 मिनट के बाद दो या तीन ब्रेक्स के बाद हम सलमा को यहाँ बुलाएंगे नीचे, या वहीं पर बैठे बैठे आपको दिखा देंगे बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है। लगा दीजिए इनके। चम्मच से नहीं लगेगा मैम, चम्मच से नहीं लगेगा, हाथ से लगेगा। ब्रश चाहिए या ब्रश चाहिए तो ब्रश दे दीजिए कि आप सही से इसको अप्लाई करें। और जब ये ड्राई हो जाएगा आपको खुद डिफरेंस नजर आएगा आपकी स्किन पर। ठहर जाइए, ये लीजिए। ओके, तो अब जब ये लगा लेंगी तो 15 मिनट के बाद इसको सादे पानी से आप लोगों ने धो लेना है। इनकी थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा। सलमा को, आपका नाम क्या है मैम जो लगा रही हैं सलमा के साथ में? उरूसा जो है वो हेल्प कर रही हैं इस वक्त। ना उरूसा कहाँ से हेल्प कर रही हैं, दूसरी उरूसा आ गई। लेकिन बहरहाल सलमा को इस वक्त ये लगाया जा रहा है और लेट्स सी के 15 मिनट के बाद सलमा की स्किन का क्या होता है। 3 चीज़ें इसमें डली हैं। ये स्किन टाइटनिंग मास्क है, इसके अंदर एग वाइट डली है, इसके अंदर 1 चम्मच, जो हम बता रहे हैं कि 1 चम्मच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 1 चम्मच हमने इसमें शहद डाला है। एक एग वाइट डाली है और साथ साथ एक ही चम्मच हमने इसमें कॉफ़ी डाली है, इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है वो डाली है। इसके बाद इसको आपस में मिला दिया गया है, यकजान कर लिया गया है और गर्दन तक लगाइएगा, प्लीज़ गर्दन तक लगाइएगा। चेहरा जो होता है वो यहाँ तक होता है। तो सलमा ने वॉलंटियर किया है कि सलमा ये रिजल्ट्स देखना चाहती हैं 15 मिनट के अंदर अंदर। ये आप घर पे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तीन चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर। सबसे पहले एग वाइट शामिल है, उसके बाद इसके अंदर एक चम्मच इंस्टेंट कॉफी शामिल है, फिर एक चम्मच शहद शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर और अच्छा, इसको आपने हाथों पे भी लगा सकते हैं कि हाथों की अक्सर उंगलियों पे आप देखते हैं अक्सर लोगों की फिंगर्स ये ब्लैक हो जाती हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं हाथों पे भी। ज़रूरी नहीं कि जो भी आप मास्क लगा रहे हैं उसे अपने फेस पे अप्लाई करें, आपके हाथ भी खूबसूरत लगने बहुत ज़रूरी हैं। अपने हाथों की भी केयर कीजिए, पैरों पे भी लगा सकती हैं आप, ज़रूर आप पाँव पे हाथों पे लगा सकती हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आपको नज़र आएगा। अब चलते हैं हमारी एक और मेजर प्रॉब्लम जो है अक्सर लेडीज़ में, पिम्पल। पिंपल और चीख निकलती है खास में बहुत ज़्यादा, ये मेरे साथ तो खा जाता होता है कि पिंपल आ गया। नहीं नहीं, आपके जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता तब चीख निकलती है, ऐसे कैसे चीख निकलती है? मेरे बिल से पिंपल से बहुत ज़्यादा निकलती है। लेडीज़ की पिंपल से चीख निकलती है ही निकलती, कौन मानता है? और पिंपल का एक प्रॉब्लम है, अक्सर जब कहीं पार्टी में जाना होता है, कहीं जाना होता है ओकेजन पर, तभी निकलता है, वैसे स्किन साफ रहती है ना। तो इसके लिए हम लेंगे नीम के पत्ते। मेन चीज़ है कि पिंपल्स होते क्यों हैं, अक्सर ऑयली स्किन पे पिंपल्स होते हैं क्योंकि जब हमारी ऑयल्स हमारी स्किन पे ऑयल आता है तो हमारे वो स्किन के पोर्स को बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो पिंपल आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए नीम। 10-12 नीम के पत्ते ले लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए आप। ये ऑलरेडी मेरे पास फ्रेश नीम पिसा हुआ रखा हुआ है। मैं एक चम्मच नीम का पेस्ट ले रही हूँ। इसमें जाएगी मुल्तानी मिट्टी, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लीजिए, एक चम्मच। और सिनेमन पाउडर डालूंगी मैं इसमें। अच्छा, सिनेमन पाउडर जो है अक्सर किसी को जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है तो मे बी उनको एक चम्मच सूट ना करे, आप 1/4 टीस्पून लीजिए, थोड़े से स्टार्ट कीजिए। अगर आप आपको लगता है कि सही है आपकी स्किन के तो फिर आप उसको यूज़ करिए, वरना मुल्तानी मिट्टी और इसका मास्क लगा लीजिए आप नीम के पत्तों का। इसमें थोड़ा सा हम रोज़ वाटर ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे, थिक सा गाढ़ा सा पेस्ट बना के आप इसको अप्लाई कीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ किसी को पिम्पल है? आपको एक्नी है? मर्दों को भी लगा सकते हैं, मर्दों को भी लगा सकते हैं आप एक्नी। ये आपकी पिंपल को ड्राई कर देगा, क्योंकि पिंपल ऐसी चीज़ है जो एकदम से नहीं होता, ये आपकी पिंपल को ड्राई कर देगा और फिर उसके बाद जो है आप इसको कंटिन्यू रेगुलर यूज़ करें तो पिंपल्स आपके नहीं होंगे। अच्छा जी, ये देख लीजिए 3 चीज़ें इसमें वर्दा ने डाली हैं। क्या क्या चीज़ें? बहुत ही सिंपल रेमेडी है। इसमें गया है नीम का पेस्ट बना लिया मैंने, नीम के सूखे पत्ते ले लीजिए आप और उसका पेस्ट बना लीजिए। फ्रेश नीम के पत्ते आप कहीं से भी आप ला सकते हैं, तोड़ के इजीली मिल जाते हैं। नीम के पत्ते लीजिए, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है इसमें 1 चम्मच और सिनेमन पाउडर डाला है मैंने इसमें 1/4 चम्मच, या आप इसमें 1 टीस्पून ले सकते हैं, 1 छोटा चाय का चम्मच। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो 1/4 चम्मच लीजिए, वो डाल के इसमें रोज़ वाटर डाला है, उसका पेस्ट बनाइए और अप्लाई कीजिए। अच्छा। ये एंटीबैक्टीरियल सारी चीज़ें हैं, सिनेमन है और नीम एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर इसको पिंपल्स को ये ड्राई कर देता है। अच्छा, ऊपर यहाँ पर एक बच्चा है जो जिसके पिंपल हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मोहसिन। मोहसिन, मैं आपको भिजवा रहा हूँ। ये कितने दफ़ा लगाना है? ये आप पहले अप्लाई करिए, आप वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल करिए, 3 दफ़ा इस्तेमाल। अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपके येलोइश। अच्छा, पिंपल से ऑयली स्किन हो जाती है एकदम, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन? नहीं, स्किन ऑयली होती है तो पिंपल्स होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? देखिए, मुल्तानी मिट्टी इसमें है, वो आपकी स्किन से जो ऑयल होता है वो उसको हटाती है, वो ऑयल साफ करेगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्किन पिंपल होना कम हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग बोल सकते हैं इस शो में, ऐसा नहीं है कि आप लोग चुप करके बैठे हैं। कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज, श्योर यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। एक्ने के स्कार्स के लिए नहीं, पिंपल्स को ड्राई करने से, पिंपल्स हो गए आपके को ड्राई करने के लिए ऑयल रिमूव करता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने जब आप बात कर रहे थे, और ये खवातीन में बड़ा एक मेजर इशू होता है, मर्दों में भी इशू होता है, लेकिन ख़ासतौर पे जब आप प्यूबर्टी में दाखिल होते हैं, आप बड़े हो रहे होते हैं और आपको पार्टीज़ में जाना होता है, किसी दावत में जाना होता है, तो अचानक से उसी दिन या उससे एक दिन पहले पिंपल निकलता है और वो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा लग रहा होता है आपको, फिर क्या करना? तो ये स्पेशली हाँ, निकल आते हैं, हाँ, तो टेल मी उस वक्त क्या करना चाहिए? ये आप लगा सकते हैं और ये रिमूव कर देगा। हाँ, रिमूव नहीं, ड्राई कर देगा, आपको कम कर देगा। दाने मिट्टी ठंडी होती है, वो दाने की गर्मी खींच लेती है। जैसे बहुत मोटा-मोटा जो पिंपल आपको फील हो रहा होगा या बहुत रेडनेस होगी उसकी, उससे वो चीज़ कम कर देगा। यानी पिंपल एक दिन में कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर जो मैं बोलूँ ये बात तो मैं गलत बोलूँगी, लेकिन मैं इस वजह से आपसे ये नहीं कह रही। हाँ, ये पिंपल को ड्राई कर देगा, उसकी स्वेलिंग जो होगी, उसकी रेडनेस जो होगी उसको कम कर देगा ये। ओके अच्छा तो मोहसिन मैं आपको भिजवा रहा हूँ, आप इसको लगाना शुरू कीजिए जहाँ जहाँ आपका अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर लगाएं। वैसे तो सबसे बड़ी बात ये इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, दैट मीन्स आपका चेहरा वैसे ही फ्रेश हो जाएगा और वो पीछे की जानिब खिंच जाएगा तो आप वैसे ही बहुत यंग और यंग नजर आएंगे। लेकिन आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, इस जगह आपके प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रॉब्लम जो है ये इससे रिमूव हो जाएगी। ये प्लीज़ उनको मोहसिन को दे दीजिएगा और मोहसिन को भी देख लीजिएगा ऊपर। मोहसिन इसको लगा के बैठ जाइए ताकि हमको पता हो एग्जैक्टली आपने लगा लिया और 15 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला इसको आप धो सकते हैं और फिर आपको एक वाज़े फ़र्क जो है अपने पिंपल में लगेगा। जी एक और चीज़, जो जितनी भी मैंने आपको 2 रेमेडीज़ बताई हैं बहुत ही ईजी हैं, ईजीली आपके घर में अवेलेबल होगी हर चीज़। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नीम के पत्ते नहीं है, मुल्तानी मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी एक्ने की प्रॉब्लम आपको है, कुछ करना है आपने, फर्ज करें घर भी नहीं है, फिर क्या करें? नहीं घर तो हो, ऐसा कैसे, किसका ऐसा कैसे पॉसिबल है कि घर भी नहीं है? किसका घर नहीं है? क्या बताएं आपको, छोड़ें। अच्छा तो आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, इंस्टेंटली मुल्तानी मिट्टी नहीं है, नीम के पत्ते नहीं है, फिर बेटा सड़क पर तो खुद ब खुद ही पसीना तो इंस्टेंटली आप शहद हर घर में होता है, सिनेमन पाउडर हर घर में होता है। बोल के अच्छा खुश होते हैं, मर्द को बाहर निकालना, आदमी को निकाल दें बाहर, बीवी ने निकाल दिया होगा, घर के नहीं जाना चाहिए, मर्द को घर से निकाल देना चाहिए। निकालती बीवी है। देखिए बात सुनिए, अब फिर इस बात पर कायम रहिएगा कि मर्द को निकाल देना चाहिए, फिर मर्द ना आए तो शिकायत मत कीजिएगा बाद में, घूम फिर के आएगा। हाँ है ना, डर लग रहा होता ना निकाल के, अब तो निकाल दिया, अब फॉक में रहे हो, फौरन आ जाओ। नहीं आज एक दिन में घूम फिर के आ जाएंगे। प्लीज कीजिए। अच्छा जी तो फिर आप इसके लिए शहद लीजिए, दालचीनी का पाउडर चाहिए, दालचीनी पाउडर नहीं है घर में, दालचीनी हर किसी के पास होती है, छोटे मिक्सर में डाल के उसको पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच, फिर वही बात, 1 चम्मच शहद चाहिए इसके लिए। अच्छा ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट मोहम्मद जो हैं ये इस वक्त लगा रहे हैं, जरा ऐसे कर दीजिएगा, मोहम्मद को दिखा दीजिएगा, मोहम्मद को दिखा दीजिए, मोहम्मद इधर देखिएगा, ब्रश दिखाई। मोहम्मद जो है पिम्पल सही करने में लगे हुए हैं और ये लगा रहे हैं और ये सोच के आए थे मोहसिन किसी लड़की का नाम है लेकिन मोहसिन लड़का निकला तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। मोहम्मद ने जिम भी ज्वाइन किया है मोहम्मद जी। और ये देखिए हमारी तीसरी जो रेमेडी है एक्ने से बचने के लिए, पिंपल्स के लिए, वो भी तैयार हो गई। क्या क्या डाला आपने? सिर्फ शहद और दालचीनी का पाउडर, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके जी अब आपको पता चल गया कि अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो 3 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हमने आपको एक्ने के बताएं और एक स्किन टाइटनिंग का हमने आपको एक ट्रीटमेंट बताया। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद एक हैरतअंगेज फ़ायदा 1 चम्मच से हम आपको बताने जा रहे हैं। जस्ट 1 चम्मच से एक हैरतअंगेज फ़ायदा। क्या आपकी स्किन टाइट और ब्राइट हो सकती है? क्या आप अपनी उम्र से पीछे जा सकते हैं? पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। एक चम्मच टोटके से रंगत गोरी हो सकती है। रोज 1 चम्मच दही खाने से, 1 चम्मच बेसन लगाने से, मुल्तानी मिट्टी लगाने से, 1 चम्मच तुखम मलंगा पानी में डालें तो उससे भी वजन कम हो जाएगा, 1 चम्मच सिरका पीने से भी, और 1 चम्मच नीम गर्म पानी में, 1 चम्मच लीमू डालने से भी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका 1 चम्मच का रोज़ के इस्तेमाल से हम अपना वजन कम कर सकते हैं। देखिए जी बात ये, 1 चम्मच से बहुत कुछ हो सकता है और 1 चमचे से भी बहुत कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ 1 चमचा जो है वो कभी काफ़ी नहीं होता, जब हमारे पास 1 चमचा होता है तो फिर वो चमचा दूसरे चमचे पैदा कर लेता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ चमचों की बहुतात है। अगर आप हमारे पाकिस्तान का एक शहर है इस्लामाबाद, वहाँ चले जाएँ तो वहाँ आपको चमचे बड़े नज़र आते हैं, इतने चमचे नज़र आते हैं, हर किस्म का चमचा नज़र आता है। सिंध का चमचा नज़र आता है, बलूचिस्तान का चमचा नज़र आता है, पंजाब का चमचा नज़र आता है, KPK का चमचा नज़र, चमचे बहुत नज़र आते हैं जी वहाँ पे। और हाँ सही बात है, चमचे ही होते हैं जी आपस के अंदर, वो बताते हैं और चमचे बताते हैं दरअसल के सर जी बहुत लोग पसंद करते हैं आपको, सर जी आप फिक्र ना करें, और सर जी को मरवाने में चमचों का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि सर जी को एक्चुअल सिचुएशन पता ही नहीं होती। सर जी पूछते जी पानी आ रहा मुल्क में, सर जी आप छोड़ें सर, इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है, लोग डुबकियां लगा रहे हैं सर। हाँ सर जी पूछते हैं भाई ये बताओ कि वो लाइट वाइट, वो सर जी जाती नहीं है तो आएगी कहाँ से, जाती नहीं है सर। कहते हैं अच्छा भाई नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, और सर जी नौकरियों की बात करें अभी बच्चा पैदा नहीं होता, पेस्लिप पहले आ जाती है। अच्छा ये बताओ हमारे अस्पताल कैसे काम करे? ओहो सर जी, अस्पतालों को ना पूछें आप, ना पूछे अस्पतालों का। मरीज बीमार नहीं होता, पहले से कॉल आती है डॉक्टर की, अगर आपको बुखार है तो मैं घर पे आ जाऊं। अच्छा और हमारे यहाँ वोटिंग का क्या हाल है? ओ सर जी वोटिंग तो छोड़ ही दें, क्या अमेरिका में इंतखाबात होते होंगे जो हमारे यहाँ होते हैं? अमेरिका में इंतखाब के बाद सदर आता है, हमें पहले पता होता है सदर कौन होगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं चमचों की वजह से होती हैं जी। आज ही बड़े बड़े चमचे होते हैं और इनको आप अक्सर देख सकते हैं हमारे यहाँ जी। न्यूज़ चैनल्स पे शो होते हैं 7 बजे के बाद, बड़े अच्छे शोज होते हैं जी। और फालूदा जानते हैं ना जी आप? हाँ जी, एक दूसरे की इज्जतों का फालूदा निकाल रहे होते हैं। हाँ जी, थैंक यू जी। आइए जी, एजाज साहब क्या कर रहे हैं हम? आ जाए। सर एक चम्मच की मदद से क्या क्या कर रहे हैं? लेकिन सर चमचे और चम्मच की मदद से बहुत कुछ होता है सर, हमारे मुल्क में बहुत कुछ होता है। फेस पैक बना रहा हूँ उन लड़कियों के लिए जिनके स्कूल जाती हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जब वापस आती हैं तो टैन हो जाती हैं अक्सर और उसके अंदर होनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन है वो क्रीम्स वगैरह अप्लाई ना करें क्योंकि अंडर एज होती हैं, तो कोई मॉइस्चराइजर इस तरह की क्रीम अप्लाई ना करें जिससे उनके स्किन को नुकसान पहुँचे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आपके घर में फ्रूट्स होते हैं, कभी केला ले लें, कभी पपीता ले लें, कभी कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो जो आपके पास, उसके साथ ऐड ऑन करें शहद के साथ, उसको अप्लाई करें। तो अभी सीजन में आड़ू का आपने गौर किया जितने शोज होते हैं सारे खवातीन के लिए होते हैं, मर्दों के लिए कोई शो ही नहीं होता। सिर्फ दोनों के लिए, मर्दों के लिए सिर्फ पॉलिटिकल शोज होते हैं। नहीं, ये लड़के भी लगा सकते हैं, लड़के भी लगा सकते हैं। खवातीन को जी मैं तो ये बात कर रहा हूँ जी। पावर जो है ना वो दरअसल खवातीन के पास है और ये बहुत बड़ी बात है। एंड वी लव देम, वी लव देम फॉर इट। अच्छा आप घर के अंदर आड़ू का पेस्ट निकाल के बना लें। किसका? आड़ू का, पीस का, ठीक है। कुचल के निकालते हैं ना, कुचल के निकाल लें या ग्राइंड कर लें जैसे जूसर। 1 टेबल स्पून जस्ट। आड़ू और शौर में क्या फ़र्क होता है जी? दोनों आड़ू होते हैं, दोनों ही आड़ू होते हैं। और हम 1 टेबल स्पून। जब शादीशुदा लोग बात करते हैं उन्हें पता होता है वो क्या बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसमें 1 टेबल स्पून हम शहद डालेंगे। आपस में बात कर लें, अभी मैं और वर्दा बात कर रहे हो, आपने ये बोला था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। और हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर लेंगे योगर्ट, दही, लैक्टिक एसिड के साथ। अच्छा इसमें उसको बड़ा इजी फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे फेस के ऊपर 10 से 15 मिनट। इसमें कोई ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को ख़राब करे, हर टाइप के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्ने हो, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, सबके लिए बेहतरीन है और हमारी रेमेडी होगी कंप्लीट, सिंपल। अच्छा इसमें आपने 3 चीज़ें डाली हैं ऑन अ सीरियस नोट, और ये 3 चीज़ें अगर अकेले अकेले भी लगाएं तो बहुत मुफीद है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप आड़ू लगाते हैं, आपको पता है कि आड़ू लगाने से आपकी स्किन क्लियर हो जाती है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, कुछ मत करना, कुछ भी नहीं अगर। बल्कि आपको मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, अभी अभी दिखा देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कोई लगाना चाहता है? यहाँ पर सिर्फ बैठ के अप्लाई करे ऐसे, ये वाला हिस्सा मैंने काट दिया है तो इसके अंदर हल्का हल्का सा मॉइस्चर जो है वो आया हुआ है, सिर्फ इतना इस तरह से करके लगाना है। जो अपनी स्किन को क्लियर करना चाहता है, मर्द या औरत कोई भी लगा सकता है, एनी वन। और 5 मिनट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या टेक इट, ये लो एंड जस्ट अप्लाई इट। लेकिन उसको लगाने के बाद खाना नहीं है। अच्छा ये तो हो गई स्किन की वाइटनिंग। लगाते दिल चाहूं खा लिया, ऐसे नहीं गिरे। फेस पैकिंग है ना, यहाँ पे क्यूकम्बर रखा हुआ था तो थोड़ी देर बाद। किसने किया ये? मेरी बेटी ने। अच्छा ये तो ये रेमेडी हमारी, एक रेमेडी है जो सिर्फ 1 स्पून की मदद से है। इसमें मैं ना कोई क्रीम लगाऊंगा, ना कोई टोटका करूंगा, सिर्फ स्पून से ही आपका फेशियल होगा। और स्पून से कैसे? आपकी जो स्किन सैग हुई, लटकी हुई स्किन है, उसको हम लिफ्ट करेंगे सिर्फ स्पून की मदद से। वो जस्ट मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। किसी को बुलाइए, आइए जी, आ जाइए। ये बड़ी जबरदस्त बात है यार, बहुत अच्छी बात है। आ जाए। लाओ भाई लाओ, अगरबत्ती लेके आओ। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का मसाज होगा यहाँ। इधर आ जाइए। क्या नाम है बहन आपका? सादिया। बैठिए। कौन सा एरिया, कौन सा पसंद है आपको? हमारे पास सखी हसन भी है, गुलशन भी है, कौन सा? जौन सा भी ठीक है, बिल्कुल सही। जी जी। अच्छा ये देखें, कोई भी क्रीम कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की हुई इसके अंदर, सिर्फ हम पानी की मदद। अच्छा अब ये देख लीजिएगा, दो स्पून लिए हैं खाली। साले साले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके घर में चम्मच तो होते हैं, ठीक है। ये 2 चम्मच लिए हैं और मिजाज आपको सिखा रहे हैं कि आपकी स्किन किस तरह कैसे हो सकती है, स्किन को लिफ्ट कैसे करेंगे। अच्छा ये इमीडिएट इफेक्ट है, इमीडिएट है। अच्छा ये जरा सादिया की बिफोर एंड आफ्टर ले लें बहन, आप जरा सीधा देखिएगा सामने, देखते रहिए। और सादिया का बिफोर जब हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा और इसके बाद हम आफ्टर देखेंगे। हो गया जी, डन, ओके जी, ओके। हाँ जी, इजाजत सर को पीछे की तरफ, ठीक है। अच्छा ये पोर्शन जो है ना इनके फेस पे आप देखें, ये फैट्स इनकी जो है ना लूज हो रही है स्किन काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल हो रही है। तो हम इसका मसाज करेंगे, राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, चिन से लेके ऊपर कान के पास तक। अच्छा इसका फ्लो जो है आपका स्पीड बहुत तेज रहेगी। ये चमचे कोई ठंडे गरम तो नहीं, नहीं कुछ ऐसे या पानी में आपने डिप किया हो, कुछ पानी अगर हो तो ज्यादा अच्छा है कि हल्का सा ठंडा पानी नहीं, कोई सा भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने बहुत सारी चीजें कुछ करनी है। अच्छा फेस गीला है आपका, फेस गीला करने के बाद आपने इस पोजीशन पे इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और आप आहिस्ता आहिस्ता आयरन कर रहे हैं। जी जी, वाओ। सेम पोजीशन पे आप तकरीबन हर साइड पे 15 से 20 दफा इसको मसाज करेंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है लाइक दिस, और लाके यहाँ पे छोड़ देना है। अच्छा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली घर में कर सकते हैं, टाइम नहीं होता लोगों के पास, और स्पेशली जिम के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। खुद अकेले भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ओके ऑसम, सीरियस एक्सरसाइज। आपका फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं हो बस। अच्छा प्रेशर नहीं होना, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, इतना हो कि आपको फील हो कि 2 पाउंड का प्रेशर है आपके हाथ के ऊपर, ये फेस के ऊपर, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका प्रेशर नहीं होना चाहिए। अच्छा ये आँख के नीचे रखना, आँख के ऊपर नहीं रख देना, आँख के नीचे इस वाले एरिया के ऊपर रख के इसको गोल लिफ्ट करना ऊपर की तरफ, बेसिकली आपको। अच्छा ये मूवमेंट देख लीजिए और इजाज़ थोड़ा सा स्लो करके दिखाइएगा ताकि लोगों को पता चले। इसको बेसिकली हम कहते हैं फेस को ड्रेन करना, जो हम स्किन को हम ड्रेन नहीं कर पाते हैं, तो अपने फेस को ड्रेन करने के लिए बेहतरीन तरीका हमारे पास इसका ये है कि आप स्पून की मदद से इसको ड्रेन करेंगे। अच्छा ड्रेन जो है वो नेजल से आपका ज़्यादा होता है स्किन का। अगर डिटॉक्स सॉरी किसी ने सिलिकॉन इंसर्ट किया हुआ है फेस के अंदर या बॉटॉक्स लगाए हुए हैं तो बॉटॉक्स ड्रेन नहीं होता कभी भी, तो बॉटॉक्स को रिमूव करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, नज़ल्स के थ्रू बॉटॉक्स निकाला जाता है, तो उसमें ये स्पून बहुत हेल्प करता है आपको। डॉक्टर आप ये चीकबोन के नीचे से कर रहे हैं ये पोर्शन? नहीं, ये मैं इस एरिया पे कर रहा हूँ, ऊपर से कर, ठीक है। आँख बचा के ये रखें और इसको लिफ्ट के इस पोजीशन पे, अगर आप खुद से करेंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे थोड़ा सा। अगर यूं करके स्क्रीन पे वैसे लगा सब चीकबोन पे कर रहे हैं, चीकबोन पे नहीं, ठीक है। आप दिखा दीजिए ये। अच्छा ऐसे क्या होता है, फीचर्स भी आपको बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं अगर आप रेगुलर करते रहें, तो आपके फैट्स जो हैं स्किन के एक्स्ट्रा फैट्स फेस के वो रिमूव हो जाते हैं। ये लाके यहाँ पे आपने प्रेस करना है, ठीक है। इसको अपने हमने प्रेस किया, आहिस्ता स्लाइडली से रिमूव उसको पुल किया, ऊपर लाके छोड़ दिया। ये 15 से 20 दफ़े तक करना है। फोरहेड पे जो हम करेंगे, फोरहेड पे हम सिर्फ ऐसे करेंगे। अब देखिएगा इनका फेस पे खुद ब खुद ग्लो आ जाएगा और उसके ना आपको टाइट लगनी शुरू हो जाएगी। जैसा ये टोटल नीचे से ऊपर की साइड पे करना, जी पूरा टोटली। अच्छा डबल चिन के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव है ये, डबल चिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप डबल चिन करना चाह रहे हैं अपना, ये इसको खत्म हो जाए। अच्छा आप इनको जरा करते रहिए, मुझे ब्रेक लेना है। आप प्लीज़ इतना से करवाइए। 5 मिनट का ये मसाज होता है जो आप अपने चेहरे पे करते हैं। आपने मूवमेंट देख ली है और ये मूवमेंट आप देख लीजिए। इस वक्त डबल चिन का मसाज हो रहा है, ज़रा एक बार कीजिएगा। ये डबल चिन का मसाज है, अपवर्ड की जानिब ये डबल चिन का मसाज कर रहे हैं और ये आप खुद भी लेटे लेटे खुद भी कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। अभी एक चमचा जारी है। मौलाना नाम मौलाना बंदा मकरी तोले तकड़ियो बंदा मकरी तोले तकड़ी हथ बिच लकड़ी जगदा जाए मौलाना हर चीज जो हम देखते हैं ये कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जानी है। मैंने भी खत्म हो जाना है, आपने भी खत्म हो जाना है। ये जो कुछ यहाँ है ये सब खत्म हो जाएगा। हम यही बात भूले हुए होते हैं। रह जाता है सिर्फ उसका नाम, इसके अलावा कोई शय कभी रहने वाली नहीं है। हुस्न जवानी दुनिया फानी हो, हुस्न जवानी दुनिया फानी शहर सब मिलके गाएंगे, सब मिलके, सब मिलके, सारे मिलके। भागा वाले ओ नाम जपो मौलाना नाम मौलाना नाम। भागा वाले जपो मौलाना नाम मौलाना नाम मौलाना नाम मौलाना नाम मौलाना नाम मौलाना अल्लाह अल्लाह। अच्छा जी, अब क्या न्यूज की रौनक है? प्लीज बताइए क्या रौनक है आज न्यूज की। हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज की रौनक। बराए मेहरबानी शादीशुदा खवातीन अपने शोहर की जानिब से आने वाले रोमांटिक मैसेजेस को सीरियसली ना लें। सीरियस लेना है तो इस बात को लें कि उनके पास ये रोमांटिक मैसेज किसकी तरफ से आया है। लड़कियां तो बस दिल देती हैं, पर लड़कों बेचारों के बारे में सुना गया है कि वो लड़कियों के घर का बिजली का, मोबाइल का, जिम का और यहाँ तक कि शॉपिंग का भी बिल देते हैं। क्या ऐसा है क्या भाई? अपने पास कोई लड़की नहीं है ना, पर लड़कों के बारे में मशहूर हुआ बेचारों के बारे में। तो मैं लड़का तो 20 साल पहले भी नहीं था अब तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। एनीवेज, एक ट्रॉफी एक आर ट्रॉफी के तो वो लड़के और लड़कियां भी हकदार हैं जो आधी रात को मोबाइल पे आहिस्ता आहिस्ता बात करने का हुनर रखते हैं। अगर किसी की बीवी जबान दराज है, वैसे तो बीवियां जबान दराज होती नहीं, अरे कहाँ, बिल्कुल कहाँ, इसीलिए ये तो इसमें तो तालियां, क्या तुम लोगों को नहीं लगता? कहाँ का जबान तो होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बाय चांस अगर चुप तो हो जाओ, एक मिनट ठहर जाओ आंटी, तो आंटी एक मिनट आंटी, कहाँ जबान तो नहीं होती, जबान होती है, बोलती नहीं है वो, तो है ना, है ना, शहद टपकता यूँ करके। जी आप आ गए जी, आज फिर 15 मिनट लेट आए, क्या कर रहे थे? ट्रैफिक थी, आपको तो रोज ही ट्रैफिक मिलती है, बाकी सब लोग तो टाइम पे आ जाते हैं, आप क्या करते हैं? लेकिन फिर भी होती नहीं है जैसे आपने खुद बताया, लेकिन फिर भी अगर किसी की बीवी जबान दराज हो तो शौहर हजरात का फर्ज है कि एक कागज़ पर लिखे ममनून हुसैन, उसको पानी में बॉईल करें और वही पानी अपनी बीवी को दिन में 3 दफ़ा पिलाएं। इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा और वो साल में सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन बोलेगी, बाकी दिन खामोश रहेगी। और सोचो खुदा न करे बीवी ने वो पानी शौहर को पिला दिया तो, जो भाई बेचारा 2-4 दिन बोलता है उससे भी बोलने से जाएगा, पता चले ईद बकरा ईद पे भी सलाम का जवाब नहीं दे रहा, बाहर में जाए कोई, क्या हो गया? वैसे तो ये बात सबको ही पता है कि खवातीन किसी के इशारे पर नहीं सुनती और किसी की बात नहीं मानती, लेकिन फिर भी अगर किसी को शक है कि वो किसी के इशारे पे नहीं चलती तो उन्हें ड्राइविंग करते हुए देख लें। अरे और पता है एक बात और भी है, किसी ने कहा आप बता दो पहले आप बोलो, गलत है। हाँ जी, बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है, 3-4 बंदे मार चुके हैं अब तक, कोई बात नहीं। अच्छा किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा जी मुझे अपनी खामियों के बारे में कुछ पता करना है, कहने लगे एक काम करो अपनी बीवी के पास जाओ, उसकी एक खामी उसे बता दो, इंशाल्लाह उसके बाद तो तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की सारी खामियां तुम्हें बता देगी। सादतमंद शौहर हजरात के लिए इतला है कि बीवी की हर मिस कॉल पर कॉल बैक करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी ये मिस कॉल इसलिए भी होती है कि देख लिया जाए कि उनका मिलाया हुआ नंबर दूसरी कॉल पे मसरूफ तो नहीं। अगर वैसे ऐसा है नहीं यार, अगर मसरूफ है तो क्या हो गया, मतलब इट्स अ मैन, इट्स फॉर यू, तो मतलब लोग तो होते ना, काम कर रहे होते, तो क्या हो गया सर, इतनी को बड़ी बात तो नहीं। कौन नहीं, कोई फेयर नहीं है, फेयर की क्या बात है ना, फेयर। आज के सेगमेंट की आखिरी खबर, सियाने क्यों उसके बाद, अच्छा ये तुम हमेशा बोल, इसके बाद तुम उड़ जाती हो क्या, होता क्या बता दो मुझे, कोशिश करती हूं, हमेशा बोल के जाती है आज के सेगमेंट की आखिरी खबर, अगले दिन फिर आ जाती है। आज के सेगमेंट, अच्छा आज के सेगमेंट की बोले, सियाने कह गए कि गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, लेकिन पहले तो ये कोशिश करो गुस्सा। हाँ ये आया, हाँ जी गुस्सा क्या होता है जी? गुस्सा, सारे मिलके बोलो गुस्सा। तो जब आता है तो बोलते क्यों नहीं हो? गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, लेकिन नहीं होता ना जी, गैन तो कूल ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अच्छी उर्दू कूल नहीं है, गलत उर्दू बहुत कूल है, इसी तरह से अच्छी अंग्रेजी बहुत कूल है जी, और गलत अंग्रेजी हो तो ज्यादा कूल है। हाँ जी प्लीज बोले, लेकिन उनसे भी और कूल से ये पता चलता ना कि पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती जी, ये तो इंडियन ड्रामे देखती है, हिंदुस्तानी है जी, नाम इनका रीटा है। अबे सीधा पाकिस्तान में पले बड़े, कराची के अंदर पले बड़े, गैन शीन काफ तो हमारा दुरुस्त होना ही चाहिए, बस इसका प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे गुस्सा आता है, कायदा ये नहीं है, अरे क्या कायदा ही नहीं, कवायद, कायदा, गुस्सा, हर वो जल्दी में, जज्बात में, हर काम जल्दी में होता है। तुम देख लेना, आप देख लेना, आप टाइम कर लो, बच्चे भी 7-7 महीनों में होने लगेंगे, इतनी जल्दी हो गई हमारे माशरे को। पता चले इधर फोन आया जी, शादी हुई 2 महीने के बाद, अब भाई अस्सलाम वालेकुम जी, ये तो सब कुछ हो गया जी। अरे अब तो गुस्सा हो गया ना भाई, तो अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ कंटिन्यू करते हैं। सियानों ने ये कहा कि गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, लेकिन उनसे सुपर सियाने जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं शाह साहब, इन्होंने बताया कि गुस्सा पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है, और गुस्से पे प्यार आ जाना किसी और चीज की निशानी है जी। हो गई खबर आपकी, हो गई। ज़ारा के लिए बहुत सारी तालियां, ज़ारा बहुत मेहनत करती हैं। खैर भाई मुझे 5 दिन से गुस्सा ही नहीं आ रहा है, 5 दिन से मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा भाई, ने दवा खिलाई है फौरन? नहीं आ जाएगा भाभी, मैके गई हूँ। हाँ क्या बात कही, क्या कह रही है? भाभी अपनी माँ के घर गई है ना, पाँच दिन से गुस्सा ही नहीं आ रहा। बॉस मुबारक हो, जन्नत में रह रहा हूँ यकीन कर। मुबारक हो, मैंने सही बोला ना। तुम्हारी वाली यही है ना, वो साल में 2 महीने के लिए जाती है खाली। एक तकिया तुम लो, एक मैं लेता हूँ, आओ मिलकर रोते हैं। मैं 2 महीने के लिए बैचलर होता हूँ। 2 महीने के लिए बैचलर होते हैं? अरे वाह। बच्चे जाते हैं नानी के घर पे लाहौर, वाइफ भी जाती है। नहीं बच्चे भी जाते हैं, वाइफ भी जाती है। मेरे इन-लॉज लाहौर में होते हैं ना, तो पूरा 10 महीने यहाँ गुजारने पड़ते हैं। वीकेंड हमारा होता नहीं है। सलमान खान ने फिल्म बनाई थी उफेरा को देखते हुए, ट्यूबलाइट, उसमें उफेरा का बहुत जिक्र था। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़ा ट्यूबलाइट से शो हो रहा है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Here we go. याद रखिएगा शाह साहब, आप याद रखिएगा एक चुटकी से ब्लड प्रेशर का इलाज आज हम बताने जा रहे हैं, एक चुटकी से। लेकिन थोड़ी देर के बाद उरूज हम क्या कर रहे हैं? हम लोग वेट लॉस ड्रिंक बना रहे हैं, जिसमें एक एक चम्मच हर चीज़ का है। अच्छा ये देख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है ये। सबको प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत स्लिम और स्मार्ट हो जाएं, लेकिन वो हो नहीं पाते। आज हम आपको बता रहे हैं कि एक चम्मच आपको स्लिम और स्मार्ट बना सकता है। किस तरह से बना सकता है ये आपको अरूज बताएंगी, लेकिन एक चम्मच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इमेजिन कीजिए कि ये सारी चीज़ें जो अभी हम आपको बताएंगे ये आपके घर में मौजूद हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल शुरू कर दें, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने वेट लूज़ करना शुरू किया है, उसका रीज़न ये है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे अगर आपका वेट बेहतर होगा तो आप खुद अपने बारे में बेहतर फील करेंगे, और आप चाहे स्क्रीन पे हो या स्क्रीन से ऑफ हो, आपको खुद अच्छा लगेगा। मैं जो डाइट कर रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, नो वन शुड अटेम्प्ट दैट। बहुत मुश्किल डाइट है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो आपको बताया जा रहा है ये बहुत आसान है, इसको आप घर पर कर सकते हैं। बस मेक श्योर आपको ये करना है कि जो कुछ बताया जा रहा है उसको एज इज फॉलो कर लें। जी अरूज। ओके, 1 ग्लास पानी। ओके, एंड इसके अंदर जो एक चीज़ 1 चम्मच नहीं है वो है आधा खीरा। ओके, सो अबाउट कप ऑफ खीरा, 1 चम्मच पुदीने के पत्ते, और अगर सेलरी मिल सकती है तो सेलरी भी बहुत अच्छी है, साथ वो भी डाल दें। 1 चम्मच एलोजल, 1 चम्मच लेमन जूस। ये पीना है? वाओ, बिकॉज मैंने वो तो एलोजल को देख के बोला था ना। और शायद एप्पल साइडर। ओके, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, और ये सब कुछ आधा ग्लास पानी में जा रहा है। एंड जब ये सब इकट्ठे हो जाएगा तो इट मिक्स टू अबाउट 1 ग्लास वर्थ ऑफ लिक्विड। आपने इस तरह के 8 ग्लास दिन में पीने हैं, और 3 दिन के अंदर आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट लूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप साथ डाइट भी फॉलो करें। बॉडी डिटॉक्सिफाई भी करेगा साथ, ऑफ कोर्स बॉडी डिटॉक्सिफाई भी। अच्छा ये देख लीजिएगा कि हम ये जो ड्रिंक बना रहे हैं, और उस दोबारा से बताना शुरू कीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। मैं 1 मिनट इसको बंद कर दूँ। जी बताइए। इसमें था खीरा, इसमें था पुदीना, इसमें था एलोजल, सब कुछ 1 1 चम्मच सिवाय खीरे के। खीरा 1 कप चाहिए। इसमें पुदीना था 1 चम्मच, 1 चम्मच एलोवेरा जेल था, 1 चम्मच नींबू का रस था, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर था। अच्छा ये हमने एक उसमें ब्लेंडर के अंदर डाल के ब्लेंड कर लिया, और इसका हमने ये जूस जो है ये निकाल लिया है। ये आपके तकरीबन 8 ग्लास बनेंगे ऐसे, 8 मरतबा आपने ये पीना है दिन के अंदर। अच्छा याद रखिएगा, इसके साथ साथ आपने परहेज़ ज़रूर करना है, तेल वगैरह की चीज़ों से दूर रहना है। अच्छा आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है ना? जी। ओके, मैं आपको एक तरकीब ऐसी बताना जा रहा हूँ, अरूज यू मस्ट नो दिस राइट। मुझे दिखाइएगा, ये 1 ग्लास पानी में आपने, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स नहीं हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर एसिडिटी भी सही करता है, बेहतर है, लेकिन रिकमेंड नहीं किया जाता। 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर आपने लिया, ये देख लीजिए, सेब का सिरका, और आपने इस पानी में डाल दिया। ये आपने सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले नहार मुँह आपने लेना है एक बार, और एक बार रात के खाने से पहले आधे घंटे पहले, रात के खाने से आधे घंटे पहले ये आपने लेना है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। और आप आहिस्ता आहिस्ता जो, अच्छा दो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बहुत स्लोली आपका वेट लूज़ करेगा। ये जिसमें एप्पल साइडर विनेगर है, सेब के सिरके के अंदर 1 चम्मच सेब के सिरके के अंदर पानी है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट लूज़ करेगा। ये जो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक बनाया है अरूज ने, ये आपका वेट बहुत रैपिडली लूज़ करेगा। अगर आपको किसी शादी में जाना है, किसी दावत में जाना है, तो आप ये ले सकते हैं 8 ग्लास इसके रोज़ाना 3 दिन तक पिए, 24 ग्लास बनेंगे आपके, 24 ग्लास, और आप कम से कम 5 से 8 पाउंड तक लूज़ कर सकते हैं, इवन मोर। और ये आपका वो वेट होगा जो आपके इंचेस को कम करेगा। ये आपका सिर्फ वो नहीं होगा, ये आपके इंचेस को एक्चुअली कम करेगा, तो आप वाकई स्लिम और स्मार्ट नजर आएंगे। वो वाला सूट जो आपने पहनना था, या वो पैंट्स जो आपको अभी फिट नहीं हो रही थी, वो सब की सब आपको फिट हो जाएंगी, एज लॉन्ग एज आप इसको इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर मुझे इसमें बता दीजिएगा अज्जा क्या क्या है। पुदीने के पत्ते। अच्छा, खीरा मैं आपको बता दूँ, पूरा ज़रा तफसील से सुन लीजिएगा, बिकॉज ये वेट लॉस के बारे में बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, हम जल्दी बता देते हैं। तो खीरा हमने आधा कप लिया है, दैट मीन्स आधा खीरा है, तकरीबन आधा खीरा हमने इसमें डाला है। 1 चम्मच हमने पुदीने के पत्ते डाले, ठीक है, इसके साथ वो हमने 1 चम्मच डाली है, एलोवेरा हमने 1 चम्मच डाला, साथ साथ लेमन जो है वो हमने 1 चम्मच डाला, और यहाँ पर सेब का सिरका है, ये भी हमने 1 चम्मच लिया है। ये 5 चीज़ें इसमें डली हैं, और इसके बाद ये ड्रिंक जो है ये बन गया है। आप इसको पी लीजिए और आप देखेंगे एक सिग्निफिकेंटली आपका वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है, वो आहिस्ता से कम होता है। थैंक यू। हम एक क्विक फाइनल रेमेडी बना रहे हैं जिन लोगों के डार्क सर्कल्स हैं। डार्क सर्कल्स जनरली हेरेडिटरी होते हैं, जिन लोगों की मम्मीज़ को हैं, उन लोगों की बेटियों को भी होते हैं, तो जनरली हेरेडिटरी होते हैं। और डार्क सर्कल्स इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अंडर आई कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वगैरह की उर्दू में क्या कहते हैं कैपिलरी को, शरियाने, आई थिंक शरियाने होता है ना कैपिलरीज, या क्या होता है बारीक बारीक जिनमें वेन्स जो होती हैं, बारीक वाली जो रगें होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं और उनके अंदर वो फटती हैं और उसकी वजह से डार्क होते जाते हैं सर्कल्स। एंड दिस हैपन्स एज टाइम गोज बाय, जिस तरह से हम बूढ़े होते हैं तो और ज़्यादा फटती हैं, यू सी ऑल दो स्पाइडर वेन्स एंड ऑल दैट, तो दिस इज़ बेसिकली दैट। और जो पफी हो जाती हैं, आंखें सूज जाती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि उसके नीचे लिक्विड भर जाता है। तो अभी जो कर रहे थे ना ये मसाज कर रहे थे, इजाज़ मसाज कर रहे थे और वो निकाल रहे थे लिक्विड, दैट वाज वेरी गुड टेक्निक। अनदर वे टू डू इट इज़ कि आप अपना सर नीचे रख के उसके ऊपर कुछ ठंडा रखें आँखों के ऊपर, तो पफीनेस थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। पर हम अंडर आई एक सॉर्ट ऑफ क्रीम बना रहे हैं, हर रोज़ बनाने वाली चीज़ है। इसके अंदर हम डालेंगे आलमंड ऑयल 1 स्पून, ऑयल एक्सक्रीशन भी नहीं होती बिलो आइज, दैट्स व्हाई भी ये है रोज़ ऑयल, ऑल्सो 1 स्पून गुलाब के फूल के पत्ते का, ये है आलू का जूस 1 स्पून और 1 स्पून टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको टमाटर से एलर्जी होती है तो यू कैन स्किप द टमाटर, बट आलू, रोज़ ऑयल और आलमंड ऑयल, और ये बना के आप इसको अपने आँख के नीचे टैप 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 टैप। देखिए जी, इसमें हमने 4 चीज़ें डाली हैं, जिसमें से चौथी चीज़ जो है वो गुरुज कहते हैं कि वो ऑप्शनल है, वो अगर डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो कोई मसला नहीं है। इसके अंदर आपने बादाम का तेल डाला है 1 चम्मच, आलमंड ऑयल, इसके अंदर आपने गुलाब का ऑयल डाला है यानी रोज़ ऑयल डाला है 1 चम्मच, साथ साथ आपने आलू का अर्क जो है, आलू को जो पीस के अर्क निकाला जाता है, आलू का अर्क आपने 1 चम्मच डाला है, और इसके बाद टोमेटो का अर्क जो है वो 1 चम्मच डाला है। ये 4 चम्मच आपके बन गए, और ये आपने अंडर आइज पे लगाना है, अंडर आइज पे लगाना है और टैपिंग मोशन पे लगाना है। अच्छा, टैपिंग मोशन से मुझे बताइए आपके यहाँ कोई यहाँ पर मौजूद है जो जिसकी आँखों, मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, सलमा हमारे साथ मौजूद थी, आपको याद होगा कि सलमा ने, आपने धो लिया मुँह? ओके जी सलमा जी, अभी हम सलमा का बिफोर एंड आफ्टर ज़रूर दिखाएंगे। ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी आंखों के हल्के हैं। आपका नाम क्या है? मुंतहा। मुंतहा, ओके मुंतहा। सो हम सलमा को दिखाना चाहते हैं सलमा जो है, सलमा ज़रा आप इस तरफ देखिएगा कैमरे की तरफ। अच्छा, सलमा को ज़रा बिफोर भी दिखा दें, आफ्टर भी दिखा दें। सलमा ने ये मास्क लगाया था एंड लेट्स सी कि सलमा के मास्क में, सलमा के चेहरे में क्या तब्दीली आई है। सलमा ये इस वक्त ऐसी लग रही हैं, और ज़रा पुराना सलमा का चेहरा दिखाइएगा। वो अच्छा, मेजर मेजर डिफरेंस ना अभी आपको क्या लग रहा है, कहाँ मेजर डिफरेंस आया है? आपकी लाफ लाइन में मेजर डिफरेंस आया है, एक डिफरेंस आया है। आपके चेहरे के यहाँ ये जो लाइंस हैं इसके अंदर एक डिफरेंस आया है, साथ साथ आई थिंक आपकी नेक के अंदर एक डिफरेंस आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ आपने 15 मिनट लगाए। इमेजिन कीजिए हर रोज़ अगर आप इस्तेमाल करें तो क्या होगा। आपको खुद को भी अपनी स्किन टाइट फील हो रही होगी, आई एम श्योर। कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, सही लग रहा है ना? ओके ओके ओके। अच्छा, अभी हम सलमा आलू की बात, सलमा कह रहा हूँ अरूज, आलू की बात कर रहे थे। तो देखिए आलू बड़े काम की चीज़ है। ये जो आपके पास आलू का पानी है ना, ये बड़ा कमाल है। इमेजिन कीजिए कि ये एक चम्मच आपके पास आलू का पानी मौजूद है। इस एक चम्मच आलू के पानी से मुझे बताइए यहाँ कौन ऐसा है जो ये समझता है कि उसका चेहरा थोड़ा सा डार्क है? कोई समझता है? आप समझती हैं? आइए इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए 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 आइए, और आप खुद करेंगी, ये डेमोंस्ट्रेट खुद करेंगी, मैं भी नहीं करूँगा। आइए आइए आइए, सिट हियर सिट हियर सिट हियर। अब इमेजिन कीजिए कि आपने सिर्फ एक चम्मच आलू का पानी लिया। सिट डाउन प्लीज़। क्या नाम है आपका? उरूज है। ऑलराइट, बहुत सारे ओके। आपने एक चम्मच आलू का पानी लिया है और एक चम्मच आलू का पानी इस में मौजूद है। अब आपने अपनी फिंगर्स ऐसे लेनी है और उसमें डिप कीजिए और सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पे लगाना शुरू कीजिए। लगाइए लगाइए लगाइए, करती रहिए। ये आपको 5 मिनट तक इसको सर्कुलर मोशन के अंदर पूरे चेहरे पे कीजिए और गर्दन पे भी कीजिए। आपको मालूम है ये क्या है? ये एक ब्लीचिंग एजेंट है जो आपके चेहरे को बहुत क्लियर करता है। टाइटनिंग एजेंट है जो आपकी स्किन को टाइट करता है। आलू की ये सारी आपको क्या, एक चम्मच आलू का पानी, सिर्फ एक चम्मच आलू का पानी आपके चेहरे की हिफाजत के लिए बड़ा काम कर सकता है। एक चम्मच से, मैंने आपसे कहा था कि एक चम्मच से करें स्किन को ब्राइट और टाइट, तो ये एक चम्मच आलू का पानी जो है आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा और टाइट भी करेगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आलू का पानी निकालना है, और पानी निकालने के बाद 5 मिनट जब भी आपके पास हो आप सर्कुलर मोशन के अंदर अपने चेहरे पे खुद ही अपने हाथ से लगाते रहें। 5-6 मिनट के बाद जब आपका चेहरा खुश्क हो जाए, जब बिल्कुल आलू ड्राई हो जाए, तो जाके इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए और स्किन का कमाल देखिए। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। देखो जी, अब जो सेगमेंट आ गया है वो बड़ा कमाल सेगमेंट है, क्योंकि अब एक चुटकी में आपको बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे किया जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। सर जी, सब लोग वेट कर रहे हैं, बता दें एक चुटकी ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे होता है। देखें, आप काफ़ी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी दवाएं छोड़िएगा नहीं, मेडिकेशन नहीं छोड़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेडिकेशन नहीं छोड़नी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ये एक बूटी आती है छोटी चंदन, इसे असरोल भी कहते हैं। छोटी चंदन, इसे पाउडर बना लें ऐसे। इसकी एक चुटकी सुबह निहार मुंह रोज़ाना लें, एक टाइम रोज़ाना लेनी है। आप देखिएगा पहले दिन में ही फ़र्क पड़ेगा। कुछ अर्सा यूज़ करना है, जैसे महीना 2 महीना यूज़ करना है। इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर आपका हमेशा कंट्रोल में रहेगा 120 पे। रियली रियली, इंशाल्लाह ताला। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ, बीपी वालों के लिए, हाई बीपी, जी हाँ, हाई बीपी के लिए, लो वालों के लिए तो नहीं है। नहीं नहीं, हाई बीपी के लिए, जिनको लो बीपी रहता हो वो 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। ये उनके लिए भी बेहतर है जो प्रेगनेंसी की सूरत में इस वक्त उनको आयरन की कमी हो जाती है, नोजिया हो रहा होता है, घबराहट बेचैनी होती है, ये उनके लिए भी बेहतर है। अगर आपके घर में बिजली नहीं आती है, ट्यूबलाइट की कमी है, तो हमारे पास कुछ लोग हैं जो ट्यूबलाइट का काम करते हैं, वो प्लीज़ हम उनको आपको दे सकते हैं। आप प्लीज़ हमसे ले सकते हैं, वो आपके घर में आके बिजली का काम करेंगे जी, बिल्कुल ट्यूबलाइट का काम करेंगे। छोटी चंदन इसका नाम है इस बूटी का, ये इसका पाउडर है। आज बीम ट्यूबलाइट बारी है, कल एज की बारी थी। नहीं, we have utmost respect for you, मजाक कॉल जो nothing else। छोटी चंदन है जी, छोटी चंदन का पाउडर बना लिया आपने और एक चुटकी आपने इतनी, ये एक चुटकी आपने निहारमू लेनी है सुबह निहारमू पानी के साथ ये एक चुटकी, देख लीजिए ये एक चुटकी जो है ये आपने लेनी है। और ये पापा अगर आप देख रहे हैं शो तो प्लीज़ ये एक चुटकी छोटी चंदन की सुबह सुबह लेनी है। एंड दैट्स अबाउट इट। और ये आपको महीने दो महीने इस्तेमाल करनी है, आपका ब्लड प्रेशर 80/120 रहेगा। और ये बीपी बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इशू है। मेरी मदर का बहुत हाई रहता है तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान से कहने के लिए मम्मी को मैं बता सकती। बल्कि आप लोग यहाँ से ले जाइएगा, ऑनेस्टली ले जाइएगा ताकि अपनी मदर को आप दे सकें। छोटी चंदन कहीं भी किसी भी पंसारी की दुकान हर पंसार शॉप पे मिल जाती है, एम्प्रेस मार्केट में मिल जाती है, लाहौर के अंदर किसी भी जगह मिल जाएगी, पेशावर में किसी भी जगह मिल जाएगी। याद रखिए और पूरे पाकिस्तान में कहीं से मिल सकती है छोटी चंदन। और इसकी एक खुसूसियत और भी है कि ये महंगी चीज़ नहीं है, 10-20 रुपए की अगर आप लेंगे कम से कम 10 से 15 दिन चल जाएगी। वाह वाह, 10 से 20 रुपए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ हों और बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, हाथ पांव जल भी रहे हों और शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही हो, तो छोटी चंदन लकड़ी की 1 इंच का टुकड़ा 1 गिलास पानी में ऐसे डिप कर दें रात को और सुबह निहार पे छान के ये पानी पी लें रोजाना। पानी पीना इसका, ठीक है। और ये लगातार महीना दो महीना इस्तेमाल करना, आपका शुगर भी कंट्रोल होगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में। लेकिन जब हम आपको ये रेमेडी बता रहे हैं तो याद रखिए कि आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, दवाएं बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे फादर इन लॉ की अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी तबीयत उनकी और उनकी शुगर बहुत लो हो गई थी और उनका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था, शुगर बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी। तो आई थिंक ये छोटी चंदन इस्तेमाल की जा सकती है और उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक टुकड़ा लेके पानी में डिप कर दिया जाए, पूरी रात ये पानी रखा जाए और सुबह छान के इसको पी लिया जाए। लेकिन दवाएं साथ साथ लेनी है। खुदा का वास्ता जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के एक इल्तिजा करता हूँ, दैट गोज़ टू माय मदर ऑल्सो, दैट गोज़ टू यू एज़ वेल, उनसे कि प्लीज़ 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 अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी शुगर को फ़ौरन से फ़ौरन टेस्ट करते रहें, जैसे बताया गया वैसे टेस्ट करते रहें। बिकॉज़ कभी कभी इतनी बुरी कैफियत हो जाती है और ख़ास तौर पे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के पास हैं तो मेक श्योर करें कि वो सही तरीके से अपनी शुगर की दवाएं, बिकॉज़ शुगर एक बहुत बड़ा कॉज़ है किसी भी मेडिकल ट्रॉमा में जाने का, बहुत बड़ा कॉज है। पाकिस्तान में इन दिनों बेतहाशा ऐसे केसेस हो रहे हैं। और याद रखिए कि शुगर जब अटैक करती है, शुगर अगर आप खुदा न करे शुगर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और बहुत ज़्यादा लो या हाई हो जाती है तो आपके ऑर्गन्स बहुत मुतासर होते हैं और ऑर्गन्स के अंदर आपके सबसे पहले वो किडनी की तरफ जाता है, आपका किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज़ याद रखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे चंदन बूटी कहा जाता है। वो लोग जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर का साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम है, एक साथ प्रॉब्लम है, वो इसके लिए हकीम साहब ने बताया बहुत आसान सी तरकीब बताई है कि चंदन बूटी एक पानी में इस तरह से डाल दीजिए पूरी रात के लिए, पूरी रात इस पानी में डाल दीजिए और उसके बाद ये भीगी रहेगी, सुबह उठ के इसको छान लीजिए और उसका पानी पी लीजिए। दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे ही जी सर जी। और एक चीज़ है शुगर, जिस तरीके से सर भाई बहुत अच्छी बात बताइए, अपनी मेडिकेशन नहीं छोड़नी चाहिए, अपना चेकअप जारी रखिएगा, हर 3 महीने में अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और अपने शुगर की दवाओं में जो रद्द बदल है वो अपनी मर्ज़ी से ना करें, अपने कंसल्टेंट की मशवरे से करें। बाज़ लोग कहते हैं कि जी मेरा शुगर तो कंट्रोल में आ रहा है, क्यों ना मैं ये छोड़ दूँ मैं वो छोड़ दूँ, ये काम ना करें। कंसल्टेंट का मतलब आपकी पड़ोसन नहीं है, कंसल्टेंट का मतलब और वो भी नहीं है जिसे शुगर हुई हुई थी, वो भी नहीं है जो खुद मेडिसिन इस्तेमाल करें। कंसल्टेंट का मतलब है आपका डॉक्टर, प्लीज आपका डॉक्टर। हाँ, और हमारे यहाँ कंसल्टेंट का मतलब ये होता है किसी जिसको, एक आदमी को शुगर, तो हर आदमी फ्री एडवाइस देता है ना, ओ जी मैंने तो ये किया था मैं सही हो गया था, तुम भी ये खा लो। हाँ तुम भी ये खा लो। हाँ, जिन लोगों की शुगर मेडिकेशन जो खुद दवाई खा रहे हो दूसरे को भी रेकमेंड कर देते हैं, ये खा लो। हाँ वो ये कहते हैं कि आप तो ये क्या खा रहे हो, ये खाओ ये अच्छी होती है। यासिर भाई टाइम नहीं है, जल्दी करो जी। एक चीज़ है कि शुगर, आप दवाएं खाने के बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, अपनी मेडिकेशन जारी रखिए। और शुगर की वजह से स्किन एलर्जी हो जाती है, हाथ पांव जल रहे होते हैं और तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है, और ये शुगर को कंट्रोल भी करेगी, तबीयत में हशाशी भी पैदा करेगी। इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं, ये काली जीरी है, इंद्रजो तलख है, शात्रा बूटी है। काली जीरी, इंद्रजो तलख और शात्रा बूटी, ये तीनों 1-1 चम्मच। आखिरी वाली का नाम बहुत अच्छा, शात्रा बूटी, शात्रा जी हाँ। तीनों 1-1 चम्मच, यानी शात्रा बूटी 1 चम्मच, इंद्रजो तलख 1 चम्मच, और काली जीरी 1 चम्मच, इनको मिला लें आप मिक्स करके। 1 चम्मच खाने वाला सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात को खाने से पहले पानी के साथ। अच्छा, और खा के दिखाइएगा और ये पानी पी के दिखाएंगे। बहुत कड़वा है ये डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। इम्तिहान ले लिया साहब के आपने जो बोली। आप खाइए ना, क्या हो गया, पता तो पड़े लोगों को डायबिटीज फायदेमंद है। तो जो अगर जिनको डायबिटीज नहीं, वो नहीं कर सकते। नहीं तो ये तो शुगर लो करेगी ना फिर। अच्छा, लो करेगी, सारी बात है ठीक। और इसे पानी के साथ में, ये ब्लड प्योरीफाई भी है। जैसे अक्सर डायबिटिक पेशेंट को स्किन एलर्जी हो जाती है, ये उसको भी दूर करेगी, हाथों की जलन को भी दूर करेगी, ये तीनों काम करेगी, शुगर भी कंट्रोल। जब शो खत्म हो जाएगा ना फिर आपसे बात करूंगा मैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब से मैं बाद में बात करूंगा, बड़े मशवरे देते हैं लोगों को, खुद कुछ नहीं कर रहे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दैट मीन्स 9 बजे कल सुबह हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। वी लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।